Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with Ajay. दोस्तों इस चैनल में हम ज्योग्राफी और नेट जारा फर्स्ट पेपर दोनों को मैं एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहा हूँ, जो आपके लिए जो जून 2020 में जैफ का एग्जाम होगा उसके पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको एक अच्छा स्कोर करना है तो इन वीडियोज़ को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम प्रेजेंट टाइम में मैं इस चैनल के ऊपर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने टोटल 33 वीडियो बना दिए हैं और उन 33 वीडियो में मैं टोटल 222 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। कितने? टोटल 223 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया चैप्टर 34 में क्वेश्चन नंबर है 224 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर। मैं इसके लिए एक ट्रिक बना रखा हूं। वैसे हम कंफ्यूज होते हैं, मैंने एक ट्रिक बनाई है अपने खुद के याद करने के लिए। वैसे मैं आपको सीरियल वाइज लिखा दूंगा, कोई मेरी इस ट्रिक पर बिलीव ना करे। यदि किसी को याद ना हो तो वो अपनी खुद की ट्रिक बना के याद कर सकता है या फिर किसी भी तरीके से याद कर सकता है। मैंने जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं उनको उत्तर से दक्षिण के क्रम की ओर याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई थी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको अच्छे लगे तो आप याद कर लेना, अच्छी ना लगे तो आप इनको याद करने का अपना कोई भी एक मेथड बना लेना। मेरा तरीका है, पद्मा सुबह मेरे गोकुल के कृष्ण को पुदीना पिलाकर वश में कर। आपको ये पूरा पूरा दिख रहा होगा। ट्रिक है कि पद्मा सुबह मेरे गोकुल के कृष्ण को पुदीना पिलाकर वश में कर। ये मैंने अपनी एक ट्रिक बनाई थी, जो बंगाल की खाड़ी में प्रायद्वीप या भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर गिरने वाली नदियों का क्रम है। अब इसमें हम बात करते हैं पै। सबसे पहले पै का मतलब होता है पद्मा, सबसे ऊपर है पै पद्मा, फिर आता है दमा दामोदर, सबसे ऊपर है पै, पै का मतलब है पद्मा, फिर दमा दामोदर, फिर है सु सुवर्ण रेखा। कौन सी है? सुवर्ण रेखा। सु का मतलब है सुवर्ण रेखा, भय का मतलब है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी या वेतनी, ब्राह्मणी या वेतनी, भय का मतलब है ब्राह्मणी और ब्राह्मणी को ही वेतनी बोलते हैं। जो ये भय है इसका मतलब है ब्राह्मणी, सु का मतलब है सुवर्ण रेखा। उसके बाद आता है मेरे, यहाँ पर मे से स्टार्ट होता है तो इसलिए है महानदी। क्या है? महानदी। फिर गो का मतलब है गोदावरी, गो का मतलब है गोदावरी। फिर कृष्ण का मतलब है कृष्णा,
फिर उसके बाद आता है पुदीना, पो का मतलब है पोनेरू, कौन सी है पोनेरू। उसके बाद पी का मतलब है पलार, पी का मतलब है पलार। कर का मतलब है कावेरी और वस का मतलब है वेगई, वेगई। ये थी मेरी अपनी एक ट्रिक कि पद्मा सुबह मेरे गोकुल के कृष्ण को पुदीना पिलाकर वश में कर। पै का मतलब है पद्मा, दमा का मतलब है दामोदर, सु का मतलब है सुवर्णरेखा, भय का मतलब है ब्रह्मिणी जिसको वेतनी भी बोलते हैं, मेरे में मैं का मतलब है महानदी, गोकुल में गो का मतलब है गोदावरी, कृष्ण का मतलब है कृष्णा, पुदीना में पो का मतलब है पोनेरू, पिलाकर में पै का मतलब है पलार और कर का मतलब है कावेरी, वश में वह का मतलब है वे गई। तो ये था मेरा अपना एक ट्रिक याद करने का, क्योंकि इनमें अपन कन्फ्यूज हो जाते हैं। और वो सीरियल वाई पूछता है कि निम्न नदियों को जो प्रायद्वीपीय भारत में गिरती, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कि निम्न प्रायद्वीपीय नदियों को जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करो। वो इस तरीके से क्वेश्चन में पुट अप करता है और बीच से उठा के जैसे सुवर्णरेखा दे दिया, गोदावरी दे दिया, पोनेरू दे दिया, कावेरी दे दिया और वेगई दे दिया। अब इनको आपको उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित क्रम में जमाना है। तो उसके लिए आपको सारी की सारी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बिल्कुल सही ढंग से याद होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने यह ट्रिक बनाई थी जो आपके साथ शेयर कर दिया। इसके अलावा एक और ट्रिक है मेरे पास, वो भी आपको अच्छी लगे तो याद करना, नहीं लगे तो या तो अपनी खुद की ट्रिक बनाना। वैसे मैं नहीं बताता कि आप ट्रिक से ज्योग्राफी को याद करो, लेकिन जहाँ आप कन्फ्यूज हो रहे हो उसको याद करने के लिए आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। मैंने ये अपना एक तरीका अपनाया था जो आपके साथ शेयर किया हूँ मैं। इसके अलावा आता है खंबात, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, समानता, एक शब्द है समानता। सह का मतलब क्या है, सह का मतलब है साबरमती, सह का मतलब है साबरमती, माँ का मतलब है माही, न का मतलब है नर्मदा और ता का मतलब है ताप्ती। ये चार नदियां हैं जो समानता, सबसे मैंने एक ट्रिक बना रखी है समानता। सह का मतलब साबरमती है, मै का मतलब माही है, न का मतलब नर्मदा है और तय का मतलब ताप्ती है। आपको याद रहे, अच्छी लगे तो इस ट्रिक को याद करना। बाकी ये चार नदियां हैं साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, आप इनको किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने जो ऊपर की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ थी उनको भी मैं सारियों को वैसे बता दिया हूँ। या तो आप मेरी ट्रिक को फॉलो कर लेना या आप अपनी कोई भी ट्रिक बना सकते हो, लेकिन आपको याद करना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 225, क्वेश्चन नंबर 225, भारत में भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां, भारत में भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां, जिसमें पहली है नर्मदा, दूसरी है ताप्ती और तीसरी है दामोदर। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, ये तीन नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। किस में बहती हैं, भ्रंश घाटी में बहती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 226, वाला क्वेश्चन है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा सही सम्मिलित
नहीं है। ऑप्शन ए है सूखा प्रवण क्षेत्र। सूखा प्रवण क्षेत्र इस साइड है उड़ीसा का, उड़ीसा का कालाहांडी क्षेत्र। उसके बाद ऑप्शन बी है भूकंप प्रवण क्षेत्र। भूकंप प्रवण क्षेत्र जिसमें है कर्नाटक पठार, कर्नाटक का पठार। उसके बाद तीसरा है बाढ़ प्रवण क्षेत्र। बाढ़ प्रवण क्षेत्र इसमें उत्तर बिहार, उत्तरी बिहार। और डी ऑप्शन है भूस्खलन प्रवण क्षेत्र। भूस्खलन क्षेत्र जिसमें है गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय। ये हमारा एक क्वेश्चन था, आपको बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो देखो जो उड़ीसा का कालाहांडी क्षेत्र है वो सूखा प्रवण क्षेत्र में आता है, जो उत्तरी बिहार है वो बाढ़ प्रवण क्षेत्र में, और जो गढ़वाल हिमालय है वो भूस्खलन क्षेत्र में। अब जो कर्नाटक का पठार है ये भूकंप रहित क्षेत्र में, भूकंप रहित क्षेत्र में। जो कर्नाटक का पठार है वो भूकंप रहित क्षेत्र में, क्योंकि जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है वहां पर भूकंप आने की सबसे कम संभावना रहती है, प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप आने की न्यूनतम संभावना रहती है। कि प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप आने की न्यूनतम संभावना रहती है, वहीं हिमालयी क्षेत्र में भूकंप आने की प्रबल सर्वाधिक सर्वाधिक संभावना रहती है। ये दो था कि प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप आने की सबसे कम संभावना रहती है, वहीं जो हिमालयी क्षेत्र है वहां पर भूकंप आने की सर्वाधिक संभावना रहती है। ये दोनों कारण है प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है जो हेरियस मोदे ने दिया था, उसमें इस बात को समझाया गया है कि जब जहाँ दो प्लेट आपस में मिलती हैं अभिसरित होती हैं तो उस क्षेत्र में प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से भूकंप आता है। तो जो हिमालय पर्वत क्षेत्र है वहाँ पर दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पर भूकंप आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 227। क्वेश्चन नंबर 227। भारत में वनस्पति प्रजातियों में से किस एक वृक्ष वृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है? भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों में कौन सी प्रजाति सर्वाधिक पाई जाती है? कि भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों में कौन सी प्रजाति सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत में जो साल का वृक्ष है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा मैं बता दूं जो चंदन का वृक्ष है
चंदन का वृक्ष है वो दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। कि जो चंदन का वृक्ष है वो दक्षिणी भारत में सर्वाधिक पाया जाता है, साल का वृक्ष है वो ओवरऑल पूरे भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, और जो आबनूस का वृक्ष है, आबनूस कौन सा, एक आबनूस का वृक्ष है जो सबसे ज्यादा पश्चिमी घाट पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट पर पाया जाता है। साल का वृक्ष भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाली वनस्पति है या प्रजाति है। चंदन का वृक्ष है वो दक्षिणी भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। आबनूस का वृक्ष है जो पश्चिमी घाट में सर्वाधिक पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 228। भारत में जस्ता के प्रमुख खाने, भारत में जस्ता की प्रमुख खाने, खाने या खनन क्षेत्र। क्वेश्चन 228 है कि भारत में जस्ता के प्रमुख खाने या खनन क्षेत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान, राजस्थान राजस्थान में, राजस्थान का उदयपुर है कि राजस्थान का उदयपुर में एक इसकी खान है जवार माला, जवार माला खनन क्षेत्र। राजस्थान के उदयपुर जिले में जवार माला खनन क्षेत्र है। इसके अलावा राजस्थान के राजसमंद, जो राजस्थान का राजसमंद है वो भी जस्ते के उत्पादन के लिए फेमस है। इसके अलावा राजस्थान का देवारी, राजस्थान में एक देवारी क्षेत्र है जो सबसे बड़ा जस्ता खनन क्षेत्र है। कि राजस्थान का देवारी सबसे बड़ा जस्ता का खनन क्षेत्र है। उसके बाद है राजस्थान का चंदेरिया, उसके बाद है राजस्थान का चंदेरिया जो कि चित्तौड़गढ़ में, कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, जो राजस्थान का चंदेरिया है जो चित्तौड़गढ़ में है। तो ये थे चार जस्ता के खनन क्षेत्र भारत में जो फेमस हैं। राजस्थान का उदयपुर जिला का जवारमाला खनन क्षेत्र, राजस्थान का राजसमंद, राजस्थान का देवारी क्षेत्र जो भारत का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र है, और राजस्थान का चंदेरिया जो कि चित्तौड़गढ़ में। तो ये थे कुछ जस्ता के खनन क्षेत्र। उसके बाद हम बात करते हैं इसी का एक सिमिलर खनिज है, वो खनिज है सीसा। दो सौ उनतीस क्वेश्चन 229 है, भारत में सीसा का खनन क्षेत्र, भारत में सीसा का खनन क्षेत्र, भारत में शीशा का खनन क्षेत्र, जो शीशा है उसका एस क्या है? गैलेना। जो शीशा है शीशा का एस क्या है? गैलेना। जो शीशा है शीशा परतदार, परतदार चट्टानों में, कि जो शीशा है वो परतदार चट्टानों में चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, कि जो शीशा है वो परतदार चट्टानों में पाया जाता है। जो चट्टानें चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से बनी हुई होती हैं, कि जो शीशा है वो परतदार चट्टानों में पाया जाता है जो कि चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित होती हैं।
एक राजस्थान में दरीबा क्षेत्र है जो कि दरीबा राजपुर, दरीबा राजपुर जो कि कहाँ है, भीलवाड़ा में। कि राजस्थान का दरीबा राजपुर जो भीलवाड़ा में सीसा खनन के लिए प्रसिद्ध है, सीसा खनन के लिए प्रसिद्ध है। कि जो राजस्थान का दरीबा राजपुर क्षेत्र है जो कि भीलवाड़ा में, वो सीसा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मैं बता दूं, भारत में जो सीसा और जस्ता है इसका खनन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, भारत में सीसा एवं जस्ता का खनन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। कि भारत में सीसा एवं जस्ता का जो खनन है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तो ये थे सीसा और जस्ता दोनों के प्रमुख खनन क्षेत्र। वैसे बहुत सारे हैं, मैं लिखा सकता था, बाकी जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण है वो मैं यहाँ लिखा रहा हूँ। वैसे जो सीसा है उसका जो दरीबा राजपुर क्षेत्र है भीलवाड़ा में, ये एक फेमस क्षेत्र है जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं टोटल 5-6 क्वेश्चन करवा दिया। मेरे एक क्वेश्चन में आपके 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। एक ये क्वेश्चन ले लो जहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में आपके सॉल्व हो रहे हैं। उससे जो पहले का क्वेश्चन था उसमें आपके और भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाओ। आप इसके सभी के सभी वीडियोस देखोगे तो आप जून 2020 में जो जेआरएफ का एग्ज़ाम होगा उसमें एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो थैंक्स देखने के लिए दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।